एक बार फिर से आप सभी लोग का नारायण ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथ का वार्षिक परीक्षा यानी 2019-20 का क्वेश्चन पेपर है ये, जिसका कोड 740 एमपी बोर्ड का है ये। तो हम इसके कंप्लीट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आने वाले कुछ वीडियो में। तो हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देख रहे हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ, यदि ए इजकल टू 1 2 3 4 5, बी इजकल टू 3 4 5 6, तो हमको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है इसका। तो इसका ये जो इंटरसेक्शन होगा, जो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होगा, यहाँ देख जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है, 3 दोनों में है, 4 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में, बाकी कोई एलिमेंट इसमें दोनों में नहीं है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर होगा, 3 4 5। इसका जो सेकंड नंबर है, सेकंड में दिया हुआ है, यदि एक्स प्लस टू और वाई माइनस टू इक्वल टू 3 1, तो एक्स और वाई के मान लिखो, तो इसका मान हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1 और वाई इजकल टू 3। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस टू इजकल टू 3 और वाई माइनस टू इजकल टू 1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स इजकल टू 1 और वाई इजकल टू 3। ये क्वेश्चन 3 है फर्स्ट का ही। फैक्टोरियल 5 का मान होगा, तो 120 दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे 5 से कम नंबर की हो जाएंगी, जैसे 5 है ये 4 हो जाएगा और यहाँ ये 3 हो जाएगी, 2 ये 1 हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में करेंगे तो 5 को 20, 20 60 और 60 दोनों 120, यानी इसका जो आंसर होगा जाएगा यहाँ पास 120 आ जाएगा इसमें। इसका जो फोर्थ नंबर है, x प्लस वाई पावर 2 एन के प्रसार में कुल पदों की संख्या होगी, तो जितना इसका पावर दिया उसमें प्लस 1 कर देते तो उसमें हमको कुल पदों की संख्या इसकी मालूम हो जाती, तो यहाँ हो जाएगा 2n+1। यदि यहाँ n होता तो यहाँ n+1 होता। फिफ्थ नंबर है, 1+i√3 का मापांक है, नहीं इसका मॉडुलस होगा, तो इसका मॉडुलस में के लिए क्या करते हैं, जैसे i ये रियल नंबर से ये इमेजिनरी नंबर है, वह काल्पनिक संख्या है, इसका जो कोफिशिएंट √3 है, इसका 1 है, तो इसका यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, यानी ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर और बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो 3 आएगा, 3 1 4, और 4 का जो स्क्वायर रूट होगा 2 होगा। तो इस प्रकार से उसको हम फाइंड कर सकते हैं, इस प्रकार से जैसे ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा और इसमें जो आएगा यहाँ पास √3 का इसका स्क्वायर होगा यहाँ पास, तो जो वैल्यू होगी यहाँ पास हो जाएगा 1+3 और ये 4, और इसका जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 2। इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा इसका। इसका सेकंड नंबर है, मैच द कॉलम 10 2x, इसका जो आंसर होगा होगा सी नंबर इसका है, 2 tan x/1 − tan2x। इसी प्रकार इसका जो दूसरा है रेडियल माप होगा इसका ए में होगा, π/180° × °माप। तीसरा नंबर जो cos x = 1/2, इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा इसमें ई नंबर होगा, 2nπ + −π/3। इसी प्रकार इसमें जो है sec²x − 1, इसका जो होगा बी नंबर होगा, 10²x। और इसमें जो इसका फिफ्थ नंबर है sin x = 1/2, इसका होगा जी ये nπ + −π/6। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक शब्द में उत्तर दीजिए, यानी गिव आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो कहते हैं, परिमित समुच्चय पर यानी फाइनाइट सेट। सेकंड है, एक फलन f(x + 5) द्वारा परिभाषित हो तो f(-3) का मान लिखो, तो इसका मान हो जाएगा -1, यानी जहाँ x और 1 को वैल्यू -3 रख देना है, तो इससे उसकी वैल्यू जो है ये -1 आएगी। तीसरा जो है 30x < 180 में x का मान क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा −∞ से 6 तक। जैसे ये वैल्यू लिखा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 30x है < 180, इसको डिवाइड कर दें इसमें, तो हो जाएगा 180/30, एक्स लेस हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, ना कि 60 आएगा, इसमें 6 आएगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं
माइनस इनफाइनाइट से सिक्स इसका जो मान होगा वैल्यू होगी वो जाएगा इसमें। ये यहाँ क्लोज्ड ब्रैकेट होगा यानी बड़ा या स्मॉल ब्रैकेट होगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू और भी कुछ हो सकती है लेकिन ये वैल्यू यहाँ ये फिक्स है, सिक्स ही रहेगा लास्ट इसका नंबर। फोर्थ नंबर है कथन चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी का निषेधन लिखो, यानी इसका हमको निगेशन लिखना है, जिसमें इसका इंग्लिश वर्जन भी लिखा हुआ है, तो जिनको भी प्रॉब्लम तो उसमें से आप उसको समझ सकते हो। तो इसका हो जाएगा चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी नहीं है, इसको ऐसा लिख सकते हैं राइट द निगेशन टू स्टेटमेंट चेन्नई इज नॉट द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। फिर इसमें फिफ्थ नंबर है यदि कोई एक्स वाई तल में है तो इसका जेड निर्देशांक होगा तो वहाँ जीरो हो जाएगा वहाँ। फोर्थ नंबर है इसमें हमको ट्रू फॉल्स में लिखना है। फर्स्ट नंबर है यदि किसी समुच्चय में तीन अवयव हैं तो उसके उप समुच्चयों की संख्या एट होगी, सही है, क्योंकि इसमें क्या होता है जैसे टू की पावर एन होते हैं, मान लिया तीन एलिमेंट है तो टू की पावर थ्री, थ्री यानी उसका जब दो का दो में तीन मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो एट आएगा, तो ये कथन जो है सत्य होगा। सेकंड नंबर है जेड इजकल टू ए प्लस आई बी का संयोग भी होगा, जेड बार इजकल टू ए प्लस आई बी होगा, ये असत्य है, क्यों, क्योंकि जो जेड बार होता है इस बराबर हम लिखते हैं ए माइनस आई बी, यहाँ माइनस होना चाहिए इसलिए असत्य कथन है। थर्ड नंबर एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर जीरो रैखिक असमिका है, ये असत्य कथन है, क्योंकि रैखिक समता होने के लिए जो वेरिएबल है जो चर राशि उसकी मैक्सिमम पावर वन होनी चाहिए, यहाँ दो है इसलिए असत्य है। फोर्थ नंबर है सेवू फैक्टोरियल सेवन अपन फैक्टोरियल फाइव का मान 24 है, असत्य कथन है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मैं ऐसे लिख सकते हैं फाइव तक ले जाएंगे इसको, सेवन इंटू सिक्स और फिर ट्वेल्व फाइव, तो ये 742 इसका मान होना चाहिए इसलिए असत्य कथन होगा। ए प्लस बी पावर एन का विस्तार ए पावर एन प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी प्लस एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर से लेके बी प्लस एन होगा, ये सत्य कथन है। फिफ्थ नंबर से क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव, तो इसमें दिया ए एन इजकल टू एन प्लस फाइव में ए वन ए थ्री का मान ये 11 होगा, यानी थ्री यहाँ वैल्यू रखेंगे एन इजकल टू तो इसका जो वैल्यू होगा वो जाएगा यहाँ पास 11 आएगा, यानी इसका ये ऑप्शन सही होगा। सेकंड नंबर श्रेणी दो चार छः का पांचवा पद होगा तो यहाँ 10 होगा, जिसका आंसर ये सही होगा। फिर परबल है वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस फोर, इसके नाभिलंब की लंबाई होगी तो ये होगी 4 ए, इसका ये आंसर सही होगा। थर्ड नंबर फोर्थ नंबर है दो बिंदुओं पी एक्स वन वाई वन जेड वन तथा पी एक्स टू वाई टू जेड टू के बीच की दूरी का सूत्र है, ये ऑप्शन होगा रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। इसका जो फिफ्थ नंबर है यदि किसी घटना ए की प्रायिकता 2/11 तो घटना ए की नहीं की प्रायिकता होगी 9/11, यानी इसको हमको एक वन मिनट से इसको घटा देना, यानी वन माइनस टू अपन 11 करेंगे ये, तो अपने पास उसकी जो वैल्यू आएगी वो 9/11 आ जाएगी ये। अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, अब जिसको हमको लिखना है इन क्वेश्चनों को, तो हम इनको सॉल्व करेंगे अलग से कॉपी में। तो दिया हुआ सिक्स नंबर क्वेश्चन यदि ए इजकल टू 1 2 3 4 5 6 तथा बी इजकल टू 2 4 5 2 4 6 8 तथा तब ए माइनस बी और बी माइनस ए ज्ञात करो, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसका जो सिक्स नंबर क्वेश्चन है इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है गिवन दैट दिया गया है ए इजकल टू 1 2 3 4 5 6 बी इजकल टू दिया हुआ है इसमें 2 4 6 8 हमको यहाँ ए माइनस भी फाइंड करना है और बी माइनस इसको फाइंड करना, तो यहाँ देखेंगे पहले ए माइनस बी यहाँ देखेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस करेंगे 2 4 6 8 तो यहाँ ये देख रहे हैं कि जो वैल्यू दोनों में
मिलेगी उसको, यानी कॉमन होगा उसको कैंसिल करेंगे, बाकी इसके एलिमेंट को ले लेंगे। यदि इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो तो उसको हम नहीं लेंगे, हमको इसमें चेक करना है। यदि इसमें से जो वैल्यू इसमें से कॉमन मिली तो उसको हम कैंसिल करेंगे, और जो वैल्यू बचेगी उसी को हम लिखेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं, वन दोनों में नहीं है, टू दोनों में तो कैंसिल हो जाएगा, थ्री दोनों में थ्री आ जाएगा, फोर दोनों में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, फाइव नहीं तो यहाँ फाइव लिखेंगे। इसके बाद सिक्स है तो सिक्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये एट से कोई मतलब नहीं है। हमको यहाँ से देखना चाहिए कि यहाँ से जो वैल्यू है इसमें, जो वैल्यू दोनों यानी इसमें उसमें है तो उसमें से कैंसिल करेंगे, जो पर इसमें एक्स्ट्रा बच जाएगी उसको यहाँ लिखा जाएगा, और इसके पर इसमें कोई फिट नहीं है। यदि मान लीजिए आठ बच भी गया तो इसको हमको इसमें से नहीं लेना है, तो इसका ए माइनस बी के यहाँ मान आएगा। अब इसमें हम देखते हैं बी माइनस से, तो यहाँ देखेंगे टू फोर सिक्स एट माइनस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ देख रहे हैं दो दोनों में तो नहीं लेंगे, फोर दोनों में नहीं लेंगे, सिक्स भी है नहीं और एट नहीं है, तो हम यहाँ एट लिखेंगे, तो ये इसका ये आंसर आ जाएगा। इसी का जो सेकंड नंबर है, सेकंड में दिया हुआ है इसमें घात समुच्चय यानी पावर्स सेट का हमको डिफिनेशन लिखना है। इसको पावर सेट भी बोलते हैं, इंग्लिश में ये हो जाएगा। इसकी जो डिफिनेशन होती है, समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए कोई सेट ए दिया हुआ है, इसका जो एलिमेंट है वन टू है, तो इसका जो इसके जो सबसेट होंगे वो होंगे यहाँ पास, पहले तो फाइव होगा, फिर वन, फिर टू, वन टू, तो यहाँ देख रहे हैं एलिमेंट है वन टू थ्री फोर, यानी जो वैल्यू हो जाएगी इसमें नंबर आप जो सबसेट होंगे यहाँ पास होंगे, ये होंगे फोर। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको टू की पावर है, यहाँ दो एलिमेंट है तो टू की पावर टू यानी फोर, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। जो पावर सेट होते हैं आप, ये कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट, तो इस प्रकार से इसको हम डिफाइन करेंगे। इसी में क्वेश्चन नंबर एक सेवन है, सेवन का जो फर्स्ट नंबर है इसमें बिंदुओं वन थ्री थ्री टू फोर फोर के बीच की दूरी याद करो। इसी का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बिंदु P माइनस टू थ्री फाइव और Q वन टू थ्री और R सेवन जीरो माइनस संरेखा तो दर्शाना है, हमको दर्शाना है कि बिंदु संरेख है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को लेंगे इसमें, तो इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है पॉइंट P यानी बिंदु P ये दिया हुआ है वन थ्री थ्री और Q दिया हुआ है इसमें टू फोर फाइव, इनके बीच की दूरी यानी डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू ये हो जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला होता है
एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का होल स्क्वायर। कहीं कहीं से जो फार्मूला होता है एक्स वन माइनस एक्स टू कर देता है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वैल्यू का। तो यहाँ लिखेंगे एक्स टू में यहाँ वैल्यू हो जाएगा टू माइनस वन, ये एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू है, प्लस फोर माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस थ्री का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने की वैल्यू आएगी वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर हो जाएगा टू का स्क्वायर, तो ये वन प्लस फोर यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो रूट सिक्स आ जाएगी, यानी दो दिए गए दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी होगी वो हो जाएगी रूट सिक्स। इसी का जो सेकंड नंबर अथवा नंबर क्वेश्चन है इसमें वो दिया हुआ है इसमें कि जो बिंदु दिए गए हैं उनको दर्शाने को बिंदु संरेख है यानी कोलिनियर है। तो यहाँ देख सकते हैं हेयर P इजकल टू माइनस टू थ्री फाइव, Q इजकल टू वन टू थ्री, R इजकल टू सेवन जीरो माइनस वन। पहले PQ निकालना है यानी हम PQ के डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फार्मूले अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू। तो यहाँ लिखेंगे वन माइनस माइनस यानी प्लस टू हो जाएगा यहाँ होल स्क्वायर प्लस टू माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फाइव, तो यहाँ हो जाएगा माइनस टू, ये हो जाएगा थ्री माइनस फाइव का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर। तो वैल्यू हो जाएगी नाइन प्लस वन प्लस फोर, जिसकी पूरी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी रूट फोर्टीन। इसी प्रकार क्यू आर निकालेंगे तो ये एक्स वन वाई वन जेड टू, एक्स टू वाई टू जेड टू हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे सेवन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर पूरे का रूट। तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पास, ये हो जाएगा सिक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर, थर्टी सिक्स प्लस फोर प्लस सिक्सटीन, ये हो जाएगा फिफ्टी सिक्स। और इसको लिख सकते हैं हम टू रूट फोर्टीन। इसी प्रकार पी आर निकाल लेंगे यहाँ, पी आर यानी यहाँ पर जो है ये एक्स वन वाई वन जेड जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू। तो यहाँ लगाएंगे दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेवन माइनस माइनस प्लस प्लस जीरो माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस फाइव का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा नाइन का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस सिक्स का स्क्वायर, तो एट्टी वन आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा नाइन, यहाँ हो जाएगा थर्टी सिक्स। जब इसको हम प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ, ये हो जाएगा नाइन नाइन्टी और थर्टी सिक्स हो जाएगा वन ट्वेंटी सिक्स। और इसको लिख सकते हैं थ्री रूट फोर्टीन। तो यहाँ देख रहे हैं हम पी क्यू प्लस क्यू आर इजकल टू पी आर, यानी इसके लिए प्लस किया जाए तो पी क्यू की वैल्यू रूट फोर्टीन है, क्यू आर की जो वैल्यू आई है ये क्यू आर की वैल्यू में टू रूट फोर्टीन आया है, और पी आर की जो वैल्यू है थ्री रूट फोर्टीन। इसको प्लस करें तो थ्री रूट फोर्टीन इजकल टू थ्री रूट फोर्टीन, यानी देख सकते हैं यहाँ
हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर संरेख हैं, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। इस प्रकार से इसको हमको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन नंबर इसमें एट्थ नंबर है, एट्थ या जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसमें, एट्थ जो पहला नंबर क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू का मान ज्ञात करो, मैंने फाइंड द वैल्यू दिस फंक्शन दिस लिमिट। और सेकंड में हमको फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एट एक्स स्क्वायर टू फाइव, यानी एक्स स्क्वायर टू फाइव पर हमको टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का अवकलज ज्ञात करना है। तो पहले हम एट्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ, तो जो एट्थ का जो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ ये हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपान एक्स माइनस टू। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ यदि हम एक्स की वैल्यू यदि जीरो रखेंगे तो ये जो फंक्शन है ये हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पास उसके पहले फैक्टर करते हैं यहाँ पास, यानी एक्स स्क्वायर माइनस फोर के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पास, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो हो जाएगा एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू। तो इससे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो ये जो वैल्यू है कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा यहाँ, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एक्स प्लस टू, एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, अपने पास पे क्या बचेगा यहाँ टू, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो टू आ जाएगी यहाँ पास। इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड में हमको क्या याद करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एट एक्स इक्वल टू फाइव, यानी हमको क्या करना है, एक्स इक्वल टू फाइव पर हमको टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का हमको अवकलज ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे बाय डिफिनीशन, परिभाषा से ये हो जाएगा एफ डैश फाइव लिमिट एच टेंड टू जीरो एफ ऑफ फाइव प्लस एच माइनस एफ ऑफ फाइव अपॉन एच। यदि यहाँ सिक्स हो तो हम यहाँ सिक्स रखते वैल्यू को, यहाँ भी सिक्स हो जाता, यानी यहाँ जो वैल्यू है यो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं हम, लिमिट एस टेन टू जीरो इस वैल्यू को इसमें रखेंगे तो हो जाएगा टू फाइव प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पूरे हम वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू यहाँ पास हो जाएगा, इस पर ऐसा लिखेंगे हम टू फाइव प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ फाइव, यानी इसमें पांच वैल्यू रखेंगे तो अपने पास इसका मान आएगा वो आ जाएगा, ये हो जाएगा पचम पच्चीस और पच्चीस दूना पचास से घटाएंगे उनचास आएगा यहाँ वैल्यू, और ये हो जाएगा एच। और इसको देखते हैं लिमिट एस टेन टू जीरो, इसको और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी यहाँ अपने पास टू इंटू इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला से इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हो जाएगा ट्वेंटी फाइव प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच माइनस वन माइनस फोर्टी नाइन अपॉन एच लिमिट एस टेन टू जीरो, अब इसमें हो जाएगा पच्चीस दूना पचास और टू एच स्क्वायर प्लस फोर एच माइनस वन माइनस फोर्टी नाइन अपॉन एच लिमिट
एच टेन टू जीरो ये हो जाएगा, 50 से 49 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2h² प्लस 4h अपान h लिमिट h टेन टू जीरो डिवाइड कर देंगे 2h² अपान h प्लस 4h अपान h, ये जो वैल्यू यहाँ पास हो जाएगा लिमिट h टेन टू जीरो हो जाएगा 2h प्लस 4, तो इसकी जो वैल्यू 4 आ जाएगी, वैल्यू इसको 0 हो जाएगी। इस प्रकार से इसका हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसी में क्वेश्चन नंबर जो इसका है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ये दिया हुआ है। इसमें निम्नलिखित मिश्र कथन के घटक कथन लिखो, यानी फाइंड द कंपोनेंट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। फर्स्ट दिया हुआ है, संख्या 3 अभाज्य है और विषम है, नंबर 3 इज प्राइम एंड ऑड। इसी में जो अथवा नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों का निषेधन लिखना है, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसी यार के दोनों विकर्णों की लंबाई समान है, और दूसरा है √7 एक परिमेय संख्या है। इसको हमको निषेधन यानी इसका निगेशन सेंटेंस लिखना है। तो इसका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ यहाँ पास, यहाँ दिया संख्या 3 अभाज्य और विषम है, तो इसका जो इसमें हो जाएगा, इसका जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट स्टेटमेंट, इसमें हो जाएगा पहला इसका हो जाएगा, यानी नंबर 3 इज प्राइम, यानी संख्या 3 अभाज्य संख्या है, और जो इसका नेक्स्ट होगा क्यू, ये होगा यहाँ पास नंबर 3 इज ऑड यानी विषम संख्या है, तो इसका ये घटक कथन आ जाएंगे। इसी का जो सेकंड नंबर है, हमको इसमें निषेधन इसका लिखना है, जैसे जो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है किसी यार के दोनों विकर्णों की लंबाई समान है, यानी बोथ ऑफ द डायगोनल्स डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल हैव द सेम लेंथ। इसका जो निगेशन होगा यहाँ पास, सपोज इसको हम पी से इसको रिप्रेजेंट करते, इसका जो निगेशन हो जाएगा, निगेशन ऐसे इसको लिखते हैं, तो ये इसमें हो जाएगा इसका ये यहाँ हो जाएगा बोथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल हैव नॉट द सेम लेंथ। इसका मतलब है कि किसी आयत के दोनों विकर्ण की लंबाई समान नहीं है, समान नहीं होती है ये। और इसका जो सेकंड नंबर है, ब नंबर या बी नंबर से, उसमें ये दिया हुआ है √7 इस
अ रेशनल नंबर सपोज यदि इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करें तो इसका जो नेगेशन होगा ये हो जाएगा रूट सेवन इज नॉट अ रेशनल नंबर यानी रूट सेवन एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने क्लास 11 का वार्षिक परीक्षा 2019-20 का हमने क्वेश्चन पेपर हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक को सॉल्व किया। इसके अगले वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।